भाजपा, शिवसेना, रिपाई अठावले व लोजपा के संयुक्त प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी कि आज वर्धा पहुंचे थे। वर्धा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और एनसीपी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन कुंभकर्ण की तरह है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो एयर कंडीशन में बैठकर देश को सलाह दे रहे हैं, उन्हें यह नहीं पता होगा कि 40-42 की गर्मी में यह जन सैलाब आशीर्वाद देने आया है। उन्होंने कहा कि जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, मैं लोग ही लोग देख रहा हूं। ये जो प्रेम दिखाया है लोगों ने, पता नहीं कांग्रेस एनसीपी का क्या होगा, पता नहीं वो सो पाएंगे या नहीं सो पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, महात्मा गांधी और विनोबा का स्वच्छता के प्रति जो आग्रह था, आप सभी जानते हैं। कांग्रेस ने कितना अनुग्रह किया, ये सच्चाई भी आप जानते हैं। कांग्रेस स्वच्छता के चौकीदारों का आज अपमान करती है। दो दिन पहले ही कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि मोदी ने सिर्फ शौचालयों की चौकीदारी की है। अब आप बताएं, जो बरसों से स्वच्छता अभियान में जुटे हैं, ये भाषा मेरे उन भाई बहनों का अपमान है कि नहीं। मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं कि आपकी गली मेरा गहना है, क्योंकि मैं जब शौचालयों की चौकीदारी करता हूं, तो हिंदुस्तान की करोड़ों माता और बहनों का भी चौकीदार हूं। देश और विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।